इस वक्त तो ये मेरा बेटा जैसे है, बबला मैं इसको बोलता हूँ, कभी कभी कपिल देव बोल देता हूँ हैं, क्योंकि हारफन मौला है। तो बाकी ये जो चतुर नाथ जो टाइटल है ये भी मुझे बहुत जबरदस्त लग रहा है। और बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये फिल्म के साथ थोड़ा सा भी अगर ढीला पड़े कहीं भी कुछ हो तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। और हमेशा ये चाहूंगा कि जैसे वो फिल्म इनकी हिट हुई थी ये उससे सुपर हिट। जी जगदीश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सब। सर गा दीजिए तो। गरबा लगा ले रसिया, गरबा लगा ले रसिया, तोरे बिन जिया लगना, तोरे बिन जिया लगना रे, गरबा लगा ले रसिया, गरबा लगा ले रसिया। सर क्या कहना चाहेंगे, आज मुहूर्त हो रहा है और कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री के त्रिमूर्ति यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत खुशी हो रहा है स्वदेश जी, आज उधर लेके जाओ, अपनी फिल्म का मुहूर्त किए हैं और प्रदीप गाना गाए हैं, बहुत अच्छी तरह से गाए हैं, और पंडित किरण मिश्र जी गीत लिखे हैं और हम लोगों ने संगीत से गाने को बांधा है, तो और बहुत अच्छी तरह से प्रदीप ने गाया है। और हम चाहते हैं कि स्वदेश जी का पिक्चर बहुत इसी तरह से अच्छी तरह से आगे बढ़ता चला जाए। प्रदीप जी आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा गाना आपको चतुर्नाथ का? मुझे तो चतुर्नाथ कहीं ना कहीं गुदगुदाता है, तो गाने भी क्या उसी प्रकार के हैं? ये गाना भी उसी ढंग का है, थोड़ा सेमी क्लासिकल मूड का गाना है, और एक जैसे उसमें तीन चार गाने होंगे तो उसमें एक अलग अलग ढंग का गाना है, थोड़ा क्लासिकल मूड का है, और लेकिन गाना बहुत अच्छा लगा हमको और स्वदेश जी को भी बहुत अच्छा लगा शुरू में उन्होंने, और वो बहुत ही खुश हैं इससे, और हम लोग उसी पे काफी अच्छा हम लोग कर भी रहे हैं, अपनी सबसे पूरा जो बेस्ट है हमारा वो हम लोग दे रहे हैं। प्रदीप जी बात करें इस फिल्म के चतुर्नाथ के गाने की जो अभी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दो लाइन गुनगुना के बता दें हमारे दर्शकों को। गरबा लगा ले रसिया, हाय गरबा लगा ले रसिया, तोर बिन जिया लगना, तोर बिन जिया लगना रे, गरबा हाय गरबा लगा ले रसिया। स्वदेश जी से जानना चाहेंगे कि प्रदीप जी के साथ काम करके आपको कैसा लग रहा है और कैसे आपने प्रदीप जी ये एक बहुत बेहतरीन कलाकार हैं और इनका जो सुर है एक मतलब अपने कानों को इस तरह खुशियां देता है, जिस तरह मतलब एक कोई किसी बच्चे को देख ले और खूबसूरत जैसे आप चले जाए बनारस की सुबह देख लें और उस तरह इनकी आवाज है। और जहां तक है ये पहली फिल्म में हमारे इन्होंने एक कदर न जानी गाना गाया था, क्लासिकल गाना था, क्लासिकल बेस गाना था, वो पहले फिल्म का वही गाना बना था, उसके बाद ही हमारी फिल्म का सारा बेस बना और फिल्म हम आगे बना पाए, और इनका आशीर्वाद की तरह एक मैं बड़े भाई की तरह मैं मानता हूं इनको, और इनका आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत बड़ी है, इसीलिए इस फिल्म में भी गाना इन्हीं का शुरुआत हो रहा है और चतुर्नाथ के लिए भी एक सेमी क्लासिकल स्टाइल का इन्होंने गाना बनाया है, क्योंकि क्लासिकल में इनको महारत हासिल है और ये उस तरह काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह मेरे पिताजी ने, एक पंडित किरण मिश्रा जी ने इस लिरिक्स को इतना बढ़िया तरह से पिरोया है कि जो आज की जनरेशन है उसके लिए भी अच्छा है और पुराने जनरेशन को भी सुनने के लिए बहुत अच्छा है। म्यूजिक की बात हो तो पंडित किरण की ना हो तो प्रदीप जी के साथ खाली इधर फिल्म ही नहीं किया, मैंने इनके साथ पहले एल्बम भी किए थे,
काफी हिट एल्बम किए थे हम लोगों ने और कुछ और भी था। तो ये लोग क्या है, बनारस घराना बिलोंग करते हैं, तो जब कोई घरानेदार क्लासिकल चीज होती है तो उसमें मुझे भी बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं और संगीत में हम लोग भी दखल रखते हैं थोड़ा बहुत, तो उसका आनंद आता है। और हमारा मुझे लिखने में मतलब दूनी खुशी हो जाती है जब हमें कोई क्लासिकल चीज मिलती है। तो वही ऐसे कुछ हुआ, तो इन्होंने एक ट्यून जब हमको सुनाई है तो कुछ ऐसा लगा कि इस पर ऐसे ही काम होना चाहिए, सिचुएशन एक खास थी तो उस पर हमने इस तरह का गाना लिखा। तो वो एक विरही रूप में गाना है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट आपको अलग मिलेगा, एकदम वेस्टर्नाइज किया इसको। गायकी जो है वो ठुमरी की उठाई इन्होंने बनारस घराने की, लेकिन उसका जो सारा अरेंजमेंट है वो सब वेस्टर्न है। तो ये अपने में बड़ा अच्छा गंगा जमुना जो मिलाया है इन्होंने, वो उसको इससे पहले भी काम किया था तो भी बहुत हिट था। तो मुझे लगता है कि ये गाना इनका क्लिक करेगा, और प्रदीप जी की उस पर गोल्डन वॉयस आ गई है। हम लोग अगर किसी प्रोफेशनल सिंगर को, फिल्मी सिंगर को लेते तो शायद इस गाने के साथ न्याय नहीं हो पाता, इसलिए प्रदीप जी ने खुद गाया इसको, तो बहुत ही इसमें जान भर दी है। और आप जब सुनेंगे इस गीत को तो बड़ा आनंद आपको मिलेगा, मेरी बहुत शुभकामना इनके साथ में है। जैसा कि हम चतुरनाथ इस फिल्म का स्त्री औरत के बारे में थी, नहीं ऐसा नहीं, ये चतुरनाथ, चतुरनाथ ऐसा है कि जैसे कभी कभी कोई आदमी बहुत समाज में सम्माननीय होता है, हर आदमी आदर करता है, हर आदमी सोचता है, लेकिन अंदर से भीतर से वो कमीना निकलता है, तो वो चतुरनाथ हो गया कि अपना काम बनाने के लिए वो सारे स्तर पार करता है। इस कहानी में कुछ ऐसा आपको मिलेगा कि वो जो चतुरनाथ है उसके कई करेक्टर आपको दिखेंगे, कहीं वो बहुत ही बड़ा विद्वान भी दिखेगा लेकिन एकदम दरघटिया रहेगा, एकदम कहीं ऐसा कुछ दिखेगा कहीं उसका दूसरा रूप हो जाएगा। तो बड़ी अद्भुत कहानी है ये आपके सामने आने वाली है, तो इसलिए इसका नाम चतुरनाथ रखा गया कि जैसे चतुर का मतलब हो गया कि चालाक, और नाथ का मतलब समझ लो कि जो सब में आगे हो, सबसे आगे हो, अगुआ। तो चतुरनाथ यही हुआ कि वो सबको पीछे छोड़ देता है, इतना पीछे छोड़ देता है कि अपना आगे निकल जाता है, ऐसा कुछ है। एक साथ होने वाला है कि चतुरनाथ जब हम नाम लेते हैं तो जहन में एक हंसने जैसा भाव है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसे भी गाने लिखे आपने जो हंसने का भाव देता हो? हाँ क्यों नहीं, इसमें आपको मिलेगा, इसमें अभी आगे आएगा, बहुत कुछ आएगा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हल्के फुल्के भी गाने दिए जाएं, हर रंग आदमी को दिया जाएगा। अभी ये तो आपने क्लासिकल रंग सुना है, कोई अच्छा बढ़िया इसमें सिचुएशन हम लोग निकालेंगे, क्योंकि उसमें जैसे कॉमेडी भी आ जाए, क्योंकि उस चतुरनाथ की बात जब हम लोग करेंगे तो उसमें एक आपको ऐसा कुछ लगेगा कि सच में आदमी चतुराई कैसा कर रहा है। क्योंकि हमने बताया था अभी किसी भाई को कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अभी भी जो अशिक्षा का भाव है लोगों में, उनमें होता यह है कि आदमी जो है चालाकियों से पैसा कमाने लगता है, वो जो चक्कर चलाता है कि ऐसा चक्कर चलाए कि उसमें दूसरा जो है फंस जाता है और अब वो अपना काम बना ले जाता है। तो वही हम लोग छोटे छोटे पंचेज वहां से लेकर आए हैं, उसमें एक छोटी छोटी कॉमेडी मिलेगी आपको कि जहां से आपने सोचा नहीं था वहां से भी ठहाके लगेंगे, यार ये तो सोचा ही नहीं था यहाँ से भी आदमी मार लाया, ऐसा होगा। ऐसी कोशिश हम लोग कर रहे हैं, देखा जाएगा, अभी अभी तो भविष्य है, पूरी पिक्चर आपके सामने जल्दी आएगी तब देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप लोग चैनल से।